हार्डवर्क, डेडिकेशन एंड क्रिएटिविटी, दिस थ्री वर्ड्स कैन चेंज योर लाइफ। मैं सेमिस्टर का फीस नहीं दे पाया था, मुझे कॉलेज का बुक्स नहीं मिला था उस समय, मैं कुछ नहीं कर पाया था, पर फिर भी उस सेमिस्टर में मुझे मुझे 9.8 CGPA मिला था। लेकिन ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है खुद को, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने के। नौकरी तो नौकरी की जगह रहता है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप जो रहता है, एंटरप्रेन्योरशिप इसको अपना जान मानता हूँ। हेटर्स आर माई बिगेस्ट मोटिवेटर्स। हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ सफलता टॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट युक्ता शर्मा। वेल टुडे वी हैव दुर्लभ सरकार विद अस। वेलकम टू सफलता टॉक्स दुर्लभ। थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी हियर। दुर्लभ, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि आपका चाइल्डहुड कैसा रहा, किस तरीके की मेमोरीज आप शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे फील्ड से हैं, चाहे राइटिंग कह लीजिए, सिंगिंग कह लीजिए, आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो किस तरीके से आपके जीवन की शुरुआत हुई चाइल्डहुड से? मेरा जीवन का शुरुआत जैसे हर बच्चों का होता है वैसा ही था। मेरा जन्म हुआ था कोलकाता वेस्ट बंगाल में बेलव्यू क्लिनिक में, और उसके बाद धीरे धीरे जेडीएस स्कूल नर्सरी से मैं जेडीएस स्कूल में पढ़ता था, जूलियन डे स्कूल जो कि कोलकाता में है। और बचपन मेरा बहुत ही मतलब क्या बोलूं मजेदार था, क्योंकि मतलब मैं बचपन से बहुत वीक था, मैं सभी बच्चों जैसा नॉर्मल नहीं था, मैं एक प्रीमैच्योर बेबी था, मैं प्रीमैच्योर बेबी होकर जन्म ग्रहण किया था। उसके बाद धीरे धीरे मेडिकेशंस चले, मेडिसिन लेना पड़ा, डॉक्टर बहुत कुछ सजेस्ट किए, उनके मुताबिक चल चल के आज ये इधर तक आया हूँ। तो बहुत ही मेडिकेशन लेने के बाद मैं ठीक हुआ था, मतलब मेरा हर रोज ही बीमार में पड़ जाता था, हर रोज मेरा कुछ ना कुछ होता था, बहुत उल्टी होता था मेरा बचपन से, ये चीज बहुत था, मेरा बहुत उल्टी होता था, तो ये चीज बहुत कॉमन था मेरे, वॉमिटिंग बहुत ही कॉमन था। इवन मैं स्कूल में जाके वॉमिट कर देता, इवन मेरा एकदम डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम ठीक नहीं था बचपन से। तो मेरा बचपन खुशहाल तो गया, लेकिन खुशहाल जिंदगी तो है, साथ साथ एक डार्क साइड भी हमेशा रहता है। तो मैं क्लास सिक्स तक उतना पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था, उतना खास नहीं था, मुझे उतना उतना मेरा ध्यान में नहीं आया जो हाँ पढ़ाई में भी अच्छा करना चाहिए, पढ़ाई मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे क्लास सिक्स से पता चला जो पढ़ाई जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, तो मैंने पढ़ाई का शुरुआत किया था, मतलब ध्यान से पढ़ाई, और मैं पहला बार क्लास में रैंक किया, मैं पहला बार क्लास में फर्स्ट आया, और उसके बाद मुझे पीछे कभी घूमना नहीं पड़ा एकेडमिक फील्ड में। फिर मैं हर क्लास में ही रैंक करते आया, मेरा मार्क्स काफी अच्छे थे, और मैं साइंस का ही स्टूडेंट हूँ, मेरा साइंस बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था, मेरा इनोवेटिव आइडियाज था, मुझे बहुत टीचर सपोर्ट किए, जैसे कि डॉक्टर विभा भूषु चक्रवर्ती, देन मीना सर थे हम लोग का, फिर बहुत उषा मैम थे उस समय, अभी इतना नाम याद भी नहीं है, गीता मैम थे, बहुत मैम थे, जो कि मैम सर ने मुझे यहाँ तक आज लाया है। तब मैं राइटर वाइटर कुछ नहीं था, मैं सिर्फ मामूली सा एक स्टूडेंट था, मैं सिर्फ पढ़ाई करता था और रैंक करता था क्लास में, मेरे लिए वही बहुत कुछ था। और मेरा मम्मी बोलता था हाँ ठीक से पढ़ाई करो, ठीक से पढ़ाई करो, और मुझे बोलना कभी नहीं पड़ता था, क्लास सिक्स के बाद से मुझे कभी बोलना नहीं पड़ा। मैं एक बार जब रैंक कर गया था तब मेरा माइंडसेट आ गया जो हाँ हर साल मुझे रैंक करना है, तो फिर मैं हर साल रैंक करते गया, मुझे मेरा 10 का बोर्ड में भी काफी अच्छा मार्क्स आया, क्लास 12 में भी काफी अच्छा मार्क्स आया, और 9 से जो था 9 से मैं एक्स्ट्रा कैरिकुलम्स में ध्यान देने लगा, 9 में बहुत सारे एक्स्ट्रा कैरिकुलम्स में ध्यान दिया, जैसे कि सिंगिंग राइटिंग हो, और जितना जितना हम लोग का जॉर्ज ब्राउटन मेमोरियल शील्ड बोल के एक्स्ट्रा कैरिकुलम्स का एक इवेंट था स्कूल में, तो मैं उधर पे हमेशा नाम देता था, और मैं काफी इंटर स्कूल इवेंट्स में भी रिप्रेजेंट किया अपना स्कूल को, इवन मैं काफी डिबेट में भी गया हूँ, इवन मुझे याद है अभी तक मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में गया था, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, इवन वेस्ट बंगाल में सबसे नामी यूनिवर्सिटी है, उधर पे चांस मिलना बहुत ही मुश्किल काम होता है, मैं उधर पे अपना स्कूल को रिप्रेजेंट किया था एक डिबेट में, तो अभी भी मुझे याद है, मैंने काफी सारे स्कूल्स गए थे सिर्फ मेरे स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर जैकुइस में मैंने गया था जो कि सेंट जेम्स में एक बहुत नामी क्विज होता है, ऑल ओवर इंडिया होता है वो, तो जैकुइस में मैंने गया था, तो क्विज, डिबेट्स, फिर सिंगिंग,
और राइटिंग, इसमें मैं काफी ध्यान दिया क्लास 9 से, और धीरे धीरे राइटिंग मेरा पैशन बनते गया। तो और मेरा पापा जो थे, मेरा पापा राइटिंग का फील्ड से थे, और वो भी एंटरप्रेन्योर थे। उनका ज्वेलरी शॉप है, ज्वेलरी शॉप था, वो अभी जिंदा नहीं है, वो अभी है नहीं हम लोग का बीच में। तो उनका ज्वेलरी शॉप था, वो भी काफी अच्छे आदमी थे, काफी अच्छा पर्सनलिटी थे। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला राइटिंग के बारे में। पहले मुझे तो पोएम लिखना नहीं आता था, तो मेरा पापा बोलते थे कुछ ट्राई कर लो, कुछ ट्राई कर लो, करो जिससे कि वोकैबुलरी और स्ट्रांग रहे। तो मैं पहला तो किताब, मतलब मैं किताब लिया, किताब पढ़ा, मैंने अपना वोकैबुलरी स्ट्रांग किया, और मुझे बंगाली में फिर हाईएस्ट मार्क्स मिलने लगा स्कूल में। तो फिर ऐसा करके मैंने बंगाली पोएम लिखना शुरू किया। तो और बंगाली और पोएम्स काफी लंबा होता है, और बहुत सारे पोएम्स काफी छोटे होते हैं। तो मुझे लगा मुझे मॉडरेट चूज करना चाहिए, इसलिए मैं सोनेट में ध्यान दिया। ठीक है, फिर मैं सोनेट लिखना शुरू किया। पहले मुझे लगता था मुझे कम से कम 50 से 40 मिनट एक सोनेट लिखने लगा, और फिर मैं राइमिंग सोनेट लिखना शुरू किया। जो राइमिंग, मेरा पापा बोले जो पोएम तो तुम लिख सकते हो लेकिन राइमिंग लिख के लिखा उसको असली पोएम बोला जाता है। तो मैंने राइमिंग पोएम्स भी लिखा। फिर मुझे काफी कम समय लग रहा था, 30 मिनट, 20 मिनट। फिर धीरे धीरे ये करके मैं 5 मिनट में लाया था। मैं हर एक कविता, कोई भी टॉपिक का कविता मैं 5 मिनट में लिख सकता था। फिर मेरा फर्स्ट विश्व रिकॉर्ड बना, और मैं विश्व रिकॉर्ड में बहुत ध्यान देता था बचपन से। जो मुझे विश्व रिकॉर्ड बनाना है, मैं सुनता था जो विश्व रिकॉर्ड, पर विश्व रिकॉर्ड होता है क्या ये मुझे पता नहीं था। फिर मैं सोचा जो अपना कविता का स्किल के ऊपर अगर मैं काम करता हूँ तो मेरा विश्व रिकॉर्ड बन सकता है। तो मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करने की कोशिश किया। 11 टाइम्स रिजेक्ट होने के बाद मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड अप्रूव हुआ, और फिर मेरा जाकर विश्व रिकॉर्ड बना। फिर मेरा, मैंने 55 लिरिकल राइमिंग सोनेट्स मैंने लिखा था, 55। हाल ही में 2020 में कंप्लीट किया था ये रिकॉर्ड। बहुत देर हो गया, धीरे धीरे मैंने वर्कआउट किया इसके ऊपर, क्योंकि इतना जल्दी सब कुछ होता नहीं है। मैं हमेशा बिलीव करता था पेशेंस में, हड़बड़ी का काम शैतान का होता है, मैं हमेशा पेशेंस में बिलीव करता था। तो और मेरा चाइल्डहुड कैसा रहा अगर आप बोलते हो, मेरा क्लास 9 तक मेरा चाइल्डहुड बहुत अच्छा था। उसके बाद से मैं जब एक्स्ट्रा करिकुलम्स में ध्यान देने लगा, तब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मेरा परिवार का एक सदस्य मेरे ऊपर शायद जेलस या कुछ भी हो मुझे नहीं पता, एक ऐसा फीलिंग आ गया उनके ऊपर, मतलब मेरे ऊपर उनका, वो मेरे ऊपर अटैक करने लगे। ऐसे बहुत सारे कुछ हुआ है जो कि ये मंच में मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मेरे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर भी हो चुका है, मैं ये बोल सकता हूँ। मेरा चाइल्डहुड काफी, मतलब शायद खुशहाल था, बहुत पहले खुशहाल था, लेकिन क्लास 9 के बाद जो मेरा लाइफ वो एक्सप्लेनेबल नहीं है। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये मंच में मैं बोलना चाहता हूँ, जो आज मैं जो भी हूँ, मैं आज जो भी हूँ, अगर मेरा लाइफ में स्ट्रगल नहीं आता, मेरा लाइफ में हार्डवर्क नहीं आता, तब मैं ये जगह पहुंच नहीं पाता। और लाइफ में स्ट्रगल हार्डवर्क के बिना अगर आपको सक्सेस मिलता भी है, उसको आप एंजॉय नहीं कर पाते हो। लेकिन आज मैं जो सक्सेस एंजॉय कर रहा हूँ इतना हार्डवर्क और स्ट्रगल करने के बाद, ये मेरे लिए सबसे बड़ा बात है, मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का बात है ये। मैं आज स्ट्रगल करके पहुंचा हूँ, और वो जो आग मेरे अंदर जल गया था उस समय, हाँ मुझे कुछ करके दिखाना है, इसको प्रूफ करके दिखाना है जो मेरा भी एक अच्छा फ्यूचर है। आज मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, पढ़ाई में भी मैं अच्छा मार्क्स ही लाता हूँ, मेरा काफी अच्छा स्कोर है, और मैं अपना एंटरप्रेन्योरशिप भी चला रहा हूँ साथ साथ, और मेरा एंटरप्रेन्योरशिप बहुत बड़ा हो गया अभी लोगों का प्यार, लोगों का सपोर्ट से। तो आज चाइल्डहुड से मैं यहाँ तक आया हूँ वैसा करके। ओके, ओवरऑल आपने बहुत सारी चीजें समाप्त करके बता दी है, धीरे धीरे करके हम सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं, आपने अपने ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग किया है, बीटेक किया है, और बीटेक से आप इतने सारे फील्ड्स में हैं, राइटिंग में है, सिंगिंग में है, आप सोशल वर्किंग में है, तो किस तरीके से आपने आपको देखते हैं, आप बीटेक के बाद कुछ आईटी कंपनी में भी जॉब कर सकते थे, बट आपने वो चूज नहीं किया, आपने कुछ अदर सेक्टर्स चूज किए, क्यों? ठीक है, लोग तो बीटेक करते हैं, लोग बीटेक पढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों का फोकस एक दिक में नहीं रहना चाहिए, मैं यही बोलूंगा। ये बीटेक का जर्नी बहुत अच्छा चल रहा है मेरा, बीटेक मतलब बीटेक करके लोग इंजीनियर होने का सपना देखता है, लेकिन बीटेक मेरा पढ़ाई है, मेरा पैशन कुछ अलग है। पैशन है मेरा लोगों का सहायता करना। शायद आपको बोलता हूँ एक बात, मेरा जो ये राइटिंग के प्रोफेशन में आना, ये लोगों को सहायता करने के लिए मैं आया था। मुझे ये लगता है काफी बात ऐसा होता है जो हम मुंह से बोल नहीं पाते लेकिन लिख के बता सकते हैं।
बेस्ट वे टू एक्सप्रेस योर थॉट्स इज राइटिंग आई थिंक दैट. तो मैं लोगों को सिखाने मतलब मैं सिखाने चाहा था जो तुम अपना बात जो कि अंदर रख देते हो वो तुम बोल सकते हो लिख कर. काफी जिंदगी मैंने बर्बाद होने देखा है क्योंकि वो अपना एक शब्द शायद बोल नहीं पाया, शायद एक शब्द उस समय वो बोल नहीं पाया लेकिन उसका जिंदगी बर्बाद हो गया बाद में जाकर. तो मैं यही बोलूंगा लोगों को अपना मतलब अंदर का जो फीलिंग्स है वो कभी अंदर नहीं रखना चाहिए, बाहर लेके आना चाहिए. इसको कहते हैं राइटिंग, मुझे ये लगता है. और दूसरी बात मैं यही कहूंगा, मैं इतना कुछ संभालता कैसे हूं? संभालता मैं हूं क्योंकि मुझे लगता है जो संभालना चाहिए. मुझे लगता है अगर इंसान ऐसा कुछ नहीं जो इंसान नहीं कर सकता है. इंसान का जन्म जो होता है वो श्रेष्ठ जन्म होता है, सबको पता है. बेस्ट लाइफ इज ह्यूमन बींग्स लाइफ, राइट. आज मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे एक ह्यूमन का लाइफ मिला है. आज मैं ह्यूमन लाइफ से मैं सब कुछ कर सकता हूँ. मतलब आज मैं इतना कुछ अचीव कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जन्म हुआ है मतलब ह्यूमन लाइफ, मतलब मैं ह्यूमन होकर जन्म लिया उस पृथ्वी. तो मुझे ये लगता है. और दूसरी बात मैं यही कहूंगा, जो नौकरी तो नौकरी की जगह रहता है लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप जो रहता है, एंटरप्रेन्योरशिप इसको अपना जान मानता हूँ, अपना जान मानता हूँ. बिकॉज इंजॉयड फाउंडेशन आज जो भी है लोगों का सहायता करने के लिए है. मैं आपको बोलता हूँ, कुछ विश्लेषण देता हूँ मैं क्यों एंटरप्रेन्योरशिप. इंजॉयड फाउंडेशन जो है, इंजॉयड फाउंडेशन का शुरुआत कैसे हुआ? शुरुआत ऐसे हुआ, जो काफी बच्चे लोग को मैंने देखा वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं. सुंदरबन का जो जिला है हम लोग का वेस्ट बंगाल में, उधर पे काफी बच्चे लोग को मैंने देखा वो पढ़ाई नहीं कर पाते. तो उनके लिए पहले बुक छपाना. फिर मैं सोचा अगर मैं कुछ बुक्स छपा सकता हूँ उन लोग के लिए, मैं तो काफी बुक्स और पब्लिश कर सकता हूँ. लोगों का ड्रीम रहता है एक बुक पब्लिश करना अपना नाम पे. उन लोग का ड्रीम रहता है उनका नाम देखना कवर पे. ये चीज अगर मैं कर सकता हूँ तब बहुत अच्छा होगा. तो ये लॉकडाउन का जो समय था, ये लॉकडाउन का समय में मैंने अपना आइडिया को उपयोग किया और एक पब्लिकेशन खोलने का मतलब सोचा. पहला बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं सीक्रेट्स ऑफ पिंक पब्लिकेशन के साथ जुक था, मैं उधर को फाउंडर था. फिर मेरा इंजॉयड फाउंडेशन मैंने खोला क्योंकि इधर पे मैं सोचा था मैं फ्री एंथोलॉजीज का जगह दूंगा. अभी एंथोलॉजीज क्या होता है? एंथोलॉजीज कलेक्शन ऑफ पोएम्स रहता है, काफी राइटर्स से आते हैं. तो मैं सोचा एक बुक में अगर काफी राइटर्स को जगह दे सके और फ्री में हम लोग एंथोलॉजीज की. और पहला ही 5 दिन में हम लोग 55 एंथोलॉजी हम लोग रिलीज किए. और हम लोग पूरा वर्ल्ड में हम लोग का ना पूरा नाम एकदम क्या बोलू पूरा नाम सबको ही जान गया पूरा वर्ल्ड में. और धीरे धीरे हम लोग और बढ़ते गए. फिर गूगल में हम लोग का रैंकिंग आना शुरू किया. अभी अगर आप कोई भी सर्च करते हैं रैंकिंग ऑफ इंजॉयड फाउंडेशन, दिखाएगा द बेस्ट पब्लिकेशन अमाउंग द पब्लिशिंग स्टार्टअप, यही दिखाएगा. तो मैं यही बोलूंगा, अगर आपके अंदर में हुनर रहता है, आपके अंदर में अगर टैलेंट रहता है, आपके अंदर में अगर इच्छा रहता है, आप कुछ भी कर सकते हो. आप सब काम एक साथ संभाल सकते हो. और आप बोल रहे हो शायद मैं ऐसे कैसे संभालता हूँ सब कुछ. मैं रोज 4 बजे तक जगता हूँ, रात का 4 बजे तक मैं रोज जगता हूँ. और मैं उठता हूँ 9 बजे, करीब 8:30 से 9 बजे. फिर मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ. इधर पे पढ़ाई, इधर पे मेरा कविता लिखना, इधर पे मेरा और साथ साथ में वर्ल्ड रिकॉर्ड स्ट्रेटजिस्ट भी हूँ. मैं लोगों को वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ट्रेनिंग देता हूँ क्योंकि लोग समझते हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड करना बहुत असंभव चीज होता है, लेकिन वो लोग को जब मैं आइडिया देता हूँ वो लोग ना इजिली कर लेते हैं. और आज मैं एशिया का यंगेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड स्ट्रेटजिस्ट हूँ. मैंने 100 से ज्यादा लोगों को वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऊपर ट्रेनिंग दिया है. और मैं वेबिनार्स भी लेता हूँ जिससे कि लोगों को वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है ये समझ में आए. वर्ल्ड रिकॉर्ड करना शायद असंभव होता है, लोगों को ये लगता है, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड करना भी आसान है. बस उसको एक टॉपिक चूज करना होता है जो कि जिसको वो क्रैक कर पाए. यू हैव टू क्रैक द कोड, दैट्स द मेन थिंग ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड. तो मुझे यही लगता है लोगों का सहायता करने के लिए मैं आज ये फील्ड में आया हूँ. और लोगों का सहायता मैं कर रहा हूँ इसलिए मुझे इतना प्यार, इतना कुछ मुझे मिल रहा है. ओके. तो दुर्लभ, राइटिंग आप करते हैं, आप पोएम्स लिखते हैं, राइटिंग में आप पोएम्स के अलावा डॉक्यूमेंट्रीज या फिर स्टोरीज ये सारी चीजें भी लिखते हैं? मैं मेनली पोएम्स में फोकस करता हूँ, लेकिन मेरे और भी काफी जॉनर्स है, मैं लिखता हूँ, मैं सब में ही कोशिश करता हूँ. लेकिन मेरा मेनली जो स्टाइल है वो है लिरिकल राइमिंग सॉन्ग्स, जिसके लिए मैं आज इतना दूर आ सका हूँ. और मेरा ये जो क्रेडिट है ये मेरा पापा को जाता है क्योंकि मेरा पापा ने पहले बोला था जो तुम कविता लिखो, और वो खुद कविता लिखते थे बंगाली में.
तो उनसे ही मुझे काफी अनुप्रेरणा मिला ये चीज करने का। और मेरा पापा अभी नहीं है, लेकिन पापा देख रहे हैं, जरूर मुझे ये यकीन है पापा कहीं ना कहीं से देख रहे हैं मुझे, आज मैं ये मुकाम में पहुंच चुका। और मैं अपना पापा का नाम में बुक भी निकाल रहा हूँ, पापा का जितना सारा कविताएं था उसके ऊपर मैं एक बुक निकाल रहा हूँ अपने इंजॉयड फाउंडेशन से, और मैं वो वर्ल्ड वाइड पब्लिश करूंगा। हम लोग को और एक भी खासियत है, हम लोग वर्ल्ड वाइड पब्लिश करते हैं हर बुक को, और लोगों को बस मेरा यही कहना है, लोगों को आना चाहिए सामने, उन लोग का जो हुनर है, उन लोग का जो टैलेंट है, उन लोग का जो प्रतिभा है वो दिखाना चाहिए। अगर आप प्रतिभा को रोक देते अपने अंदर तो लोग जान नहीं पाते आप क्या हो, आप क्या हो। आज दुर्लभ सरकार कौन है लोग जानते हैं कि मैं अपना हुनर को अगर अंदर रख देता तब कोई जान नहीं पाता। मैं तो अभी भी बोलूंगा मेरे जैसा 100-100 दुर्लभ सरकार है, लेकिन वो अपना हुनर को निकाल नहीं पाए, इसलिए शायद वो आज इस मंच में नहीं है, वरना वो भी इस मंच में रहे। बिल्कुल सही कहा आपने कि अपने हुनर को पहचानना बड़ी बात है, जिससे अपने हुनर को पहचान के वो आगे सक्सेसफुल हो ही जाता है उसके काम। आप एक बुक लिख रहे हैं अपनी जिंदगी में द अर्थ एक्सप्रेस थॉट्स, वो कहाँ से आपके मन में टाइटल आया और किस तरीके से आपने सोचा उसको लिखने का? ये जो मेरा बुक है, देखिए मैं बुक्स निकालता हूँ, मैं जब भी कोई बुक के लिए काम करता हूँ, मेरा बुक साधारण नहीं होता है, कोई भी लोग जानते हैं राइटिंग इंडस्ट्री का, मैं जो भी बुक में काम करता हूँ वो साधारण नहीं होता है, वो इधर वर्ल्ड रिकॉर्ड एमिंग होता है या इसमें कुछ ऐसा खासियत है जो समाज को एक मैसेज दे पाए। मैं हमेशा ऐसा बुक ही करता हूँ जिससे कि समाज को मैसेज मिल पाए। और वैसे मैं पाकिस्तान को लेकर भी काम कर रहा था रिसेंटली, जिससे कि हम लोग दिखा पाए जो शायद पाकिस्तान में और इंडिया का गवर्नमेंट में जो मतलब जो फाइट है वो है, लेकिन हम लोग अगर देखे एक दूसरे को तब हम लोग दोनों इंसान है, तब इतना फाइट क्यों? जब हम लोग देखेंगे एक दूसरे को तब दोनों तो इंसान है, इतना फाइट क्यों? उसके ऊपर एक मेरा एक मतलब किताब चल रहा है, वो बहुत ही जल्द निकलेगा, अभी देखते हैं निकल सकता है या नहीं, क्योंकि काफी रोक टोक किया जाता है ये सब टॉपिक में, काफी बोल्ड टॉपिक्स रहते हैं ये, तो मैं हमेशा बोल्ड टॉपिक्स को लेकर काम करता हूँ। पर ये जो किताब का बारे में आप बोल रहे हो, ये एक रिकॉर्ड किताब है जिसमें मैं एक्चुअली एक सोनेट मैराथन किया था, मैंने 55 कविताएं लिखे थे, हर कविता 5 मिनट के अंदर, तो वो 55 कविता का बुक है ये, तो मेरा एक पहचान बनेगा, जो मेरा पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड जो मैं इंट्रोड्यूस किया था। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड करने के बाद काफी लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है ये जान पाए, और काफी लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड करने आए जो हाँ मैं ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकता हूँ। और मैं ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड कभी किया नहीं हूँ जो वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब आदरणीय ना हो, या जो वर्ल्ड रिकॉर्ड को देख के कुछ सीखने को ना मिले। मैं ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड हमेशा करता हूँ जिससे देख के किसी को एक सलाह मिले, किसी को कुछ सीखने का मिले, मैं हमेशा इसमें विश्वास करता हूँ, तो मैं लोगों को सिखाते रहता हूँ हाँ ऐसा करके ये करो। और आज भी मेरे पास बहुत सारे एक दिन में मैसेज आता है, भैया मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे करना है, मुझे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो आज तो इसका ये लोगों को मौका देते देते मैं एक बहुत बड़ा काम भी किया हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, इंजॉयड फाउंडेशन के अंदर 50 से ज्यादा यूनिट अब हो गया है, और ये कि ये सिर्फ 4 महीना में हुआ था 50 से ज्यादा यूनिट, इतना कम टाइम में हुआ था लोगों का प्यार से शायद। और आज मैं एक इंजॉयड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बोल के एक इंजॉयड का रिकॉर्ड बुक खोला हूँ, जिससे मतलब इस हिस्ट्री में जो जो रिकॉर्ड यूनिक होता है, और मैं इसमें बहुत ही डिफिकल्ट एंट्री रखा हूँ जो मतलब जो कि बहुत यूनिक है, वही घुस पाएंगे इसमें, उसका नाम दर्ज होगा इस बुक में। और इनका मैं ये बोलना चाहता हूँ, इनका जो परिचालक है वो पीस जॉर्ज है, जो कि नाइजीरियन है, फॉरेन से है सब कुछ, ऑब्वियसली वर्ल्ड रिकॉर्ड, और पीस जॉर्ज है, उनको मैं इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, उनके वजह से आज ये सब कुछ हो पा रहा है, वो सपोर्ट किए थे और वही सब कुछ अभी देख रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ लोगों को इतना बड़ा मौका देने के लिए। और इंजॉयड फाउंडेशन तो इंजॉयड बुक ऑफ रिकॉर्ड से तो घुस रहे आदमी लोग, उनका नाम दर्ज हो रहा है, उनका हुनर जो है वो दिखा पा रहे हैं। मेरा यही मकसद था मैम, जो मैं लोगों का हुनर को निकाल सकता लोगों का हुनर दिख सके वो ला सके अपना सामने, लोगों का हुनर छुपा के आज वो अपना टैलेंट को मार देता है पता है, पर टैलेंट को मरना नहीं चाहिए, टैलेंट को इस दुनिया में आना चाहिए जिससे कि वो दिखा सके, वो लोग को मोटिवेट कर सके, यही बात है।
आपने अभी तक 3 अवार्ड्स जीते हैं, 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड जीते हैं, 3 times in a row आपने दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी जीता है, तो इतनी कम उम्र में दुर्लभ आपने इतने सारे अचीवमेंट्स हासिल किए हैं अपनी मेहनत के मुकाम से, तो किस तरीके की फीलिंग है जब आप ये अवार्ड रिसीव करते हैं तो कैसा लगता है, क्योंकि जब एक मेहनत करने के बाद मेहनत रंग लाती है तो एक अलग ही फीलिंग होती है, किस तरीके से बयान करना चाहेंगे? थैंक यू मैम ये सवाल पूछने के लिए। तो मैं यही बोलूंगा हैट्रिक वर्ल्ड रिकॉर्ड वो ट्रिपल हैट्रिक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। ट्रिपल हैट्रिक वर्ल्ड रिकॉर्ड मींस 9 रिकॉर्ड इन अ रो। मैं बहुत ही ये मतलब कुछ दिन पहले ही मैंने ये किया, 9 हैट्रिक मतलब ट्रिपल हैट्रिक वर्ल्ड रिकॉर्ड, 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड इन अ रो, ये कभी हुआ नहीं है। हैट्रिक वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है बट ट्रिपल हैट्रिक वर्ल्ड रिकॉर्ड जिंदगी में हुआ नहीं है। मैं पहली बार एक इतिहास रचने वाला था, तो यही मेरा एक प्रयास था जो मैं रच सकूं एक नया इतिहास इस राइटिंग इंडस्ट्री में। तो मैं पहले तो ये बोलना चाहूंगा लोगों का सपोर्ट की वजह से आज इधर पे मैं आया हूँ। आज अगर लोग मुझे प्यार ना करते, मुझे इतना सारा कुछ इतना प्यार नहीं मिलता। तो अगर मैं अवार्ड्स का बात बोलूँ तो अवार्ड्स तो बहुत सारे मुझे मिला है, लेकिन जिसका नाम मैं लेना चाहता हूँ, जिन अवार्ड्स का नाम मैं लेना चाहता हूँ, पहला बात मैं यही बोलूंगा, पहला मेरा विश्व रिकॉर्ड जो बना था, पहला मेरा विश्व रिकॉर्ड बना था 55 लिरिकल राइमिंग सॉनेट्स, जो कि मैं 55 कविता लिखा था 5 मिनट का टाइम में, हर एक कविता 5 मिनट के अंदर। तो ये मेरा रिकॉर्ड था, एक सीरीज था जो सोनेट मैराथन जिसको मैं नाम दिया था। तो मुझे इसके लिए एक रिकॉर्ड मिला था। फिर मुझे इंग्जॉर्ड फाउंडेशन के लिए एक रिकॉर्ड मिला था, जो कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ जो कि इतना कम टाइम में 4 महीने का टाइम में अपना अंदर 50 यूनिट खोल के दिया। तो इसमें मैं यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर का मुझे खिताब मिला था। तो ये सब चीज मुझे मिल चुका है। और एक तो चीज मुझे मिला है रेक्स करमवीर, जो करमवीर चक्रा से एफिलिएटेड एक अवार्ड है करमवीर चक्रा से। तो ये काफी कम लोग को मिलता है, बहुत यूनिक काम जो करते हैं या देश के लिए एक एग्जाम्पल सेट करता है वो मुझे मिला है। तो इसके लिए मैं पहला बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ बहुत बड़ा, और लोग जो मुझे सपोर्ट किए हैं, जो मुझे इधर तक लाए हैं, उसके लिए मैं मतलब मैं बहुत ही आभारी हूँ उन लोग के लिए, उनके लिए मतलब बहुत ही आभारी हूँ मैं, मतलब उनके वजह से आज मैं इधर तक आ पाया। आई एम थैंकफुल टू ईच एंड एवरीवन हु सपोर्टेड मी थ्रू आउट, दैट्स द मेन थिंग। और फिर मुझे दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड्स मिला था। ये दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेयर से अलग है, एक अलग जोनर में है। इसमें सारे लोगों को दिया जाता है, सारे लोगों को पुरस्कृत किया जाता है, हर एक फील्ड का महारथी को। तो मुझे नहीं पता था जो मैं इतना मतलब बड़ा मुकाम में पहुंचूंगा, मुझे दिया जाएगा, मुझे बोला जाएगा हाँ तुमको ये अवार्ड मिल सकता है, तुम इसके लायक हो। मैं कभी सोचा नहीं था ये, सच बोल रहा हूँ। जब मुझे मिला था मैं विश्वास नहीं कर पाया था। मैं मतलब देख रहा था सच में मुझे मिला ना, सच में मुझे ये मेल आया है जो मुझे मिलने वाला ये अवार्ड, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा था। तो फिर जाके विश्वास हुआ, हाँ मुझे मिला है, और मुझे रियलिटी एक्सेप्ट करना पड़ा। और सच में ये सब अचीवमेंट्स मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और फिर मैंने किया इतने सारे रिकॉर्ड्स करने के बाद, और फिर इंग्जॉर्ड फाउंडेशन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया था योगा इंटरनेशनल डे, जिसमें ज्यादातर लोग योगा का पिक्चर्स डालेगा फेसबुक में, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल विल अपलोड योगा पिक्चर्स इन देयर फेसबुक अकाउंट। तो इसमें मैं यही मतलब यही मेरा प्रयास था जो लोगों को पता चले योगा का मतलब क्या होता है, योगा कैसे आपको सहायता कर सकती है, क्योंकि योगा मुझे लगता है बहुत जरूरी होता है आजकल का दिन में, इतना डिजीजेस बढ़ रहा है तो मुझे लगता है योगा बहुत ही जरूरत है अभी, इसलिए मैंने ये किया था। फिर जैन टेम्पल्स का एक सफाई, जो कि मतलब ये भी रिकॉग्नाइज हुआ था। जैन टेम्पल में क्या हुआ था, एक दिन में एक ही टाइम में 1200 जैन टेम्पल एक साथ क्लीन हुआ, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड हुआ था। और ये तो 2 दिन पहले ही शायद हुआ, हाँ 29 अगस्त को ये हुआ था, मतलब ये हुआ था, ये जो प्रयास था हुआ था। तो ये वाला चीज मुझे लगा जो साफ सफाई दिखाना, स्वच्छ भारत जो है वो दिखाना, तो ये बहुत बड़ा एक नेक काम होगा। तो मुझे लगा ये चीज करना चाहिए, ये वाला जो ये लोग जैन मालवा संघ और नवरत्न परिवार ये वाला उद्योग लिए थे, तो मैं बहुत आभारी हूँ ये सब से मैं जुड़ पाया। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा, मेरा जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है जो हिस्ट्री क्रिएट किया है, सबसे बड़ा रिकॉर्ड मैं यही बोलना चाहता हूँ, उसमें 9 रिकॉर्ड है, दैट फर्स्ट एवर ट्रिपल हैट्रिक वर्ल्ड रिकॉर्ड। पहला रिकॉर्ड मैं ये बोलना चाहूंगा, जो मेरा एक कविता है
फास्टेस्ट सोनेट जिसको कहलाया जाता है, 55 सेकंड्स में लिखा गया है। वो सोनेट है, हेटर्स आर माय बिगेस्ट मोटिवेटर, उसका नाम ये है, ये उसका नाम है। तो ये एक कविता है, फास्टेस्ट सोनेट है ये, फास्टेस्ट राइमिंग सोनेट इन द वर्ल्ड, 55 सेकंड में लिखा गया। और फिर एक और एक कविता है मेरा, 45 सेकंड्स में लिखा गया, फास्टेस्ट 12 लाइनर, वो लिखा गया हार्डवर्क डेडिकेशन और क्रिएटिविटी के ऊपर। फिर एक बुक आता है द रिकॉर्ड बोल के, जिसमें 55 मेरा कविता है, जो कि हर कविता 5 मिनट में लिखा गया, हर कविता 5 मिनट उधर पे लिखा गया और हर कविता उधर पे सोनेट है, वो एक रिकॉर्ड है। और एक रिकॉर्ड है फास्टेस्ट कंपाइल्ड एंथोलॉजी, जो कि सिर्फ 5 मिनट में एंथोलॉजी को कंपाइल किया गया है। और एक मेरा रिकॉर्ड आता है, मैं यंगेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड स्ट्रेटजिस्ट हूँ, जो कि अमेजिंग इंडियन रिकॉर्ड से मुझे दिया गया है। मैं फास्टेस्ट यंगेस्ट और मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड स्ट्रेटजिस्ट हूँ, जो कि एशिया का यंगेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड स्ट्रेटजिस्ट है, मुझे ये कहलाया गया। और मतलब वर्ल्ड का मैं ऐसा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्ट्रेटजिस्ट हूँ जो बहुत ही कम उम्र में 100 से ज्यादा लोग को ट्रेनिंग दिया है वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनाया जाता है। और आज भी मेरे पास काफी लोग आते हैं जो हाँ मुझे सीखा वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे करना होता है, क्योंकि मैं आपको पिछला बार भी बोला जो वर्ल्ड रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल लगता है लोगों को, यही मतलब माइंडसेट हो चुका है। लेकिन जिसके अंदर सक्सेस माइंडसेट है, उसके लिए कुछ भी पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है उसके लिए, सब कुछ पॉसिबल, मुझे ये लगता है। और दूसरी और भी और जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड मेरा है, मेरे ऊपर 6 किताब लिखा गया, एकमात्र बडिंग राइटर जिसके ऊपर 6 किताब लिखा गया। तो मैं किताब का नाम लेना चाहता हूँ, पहला किताब लिखा गया दुर्लभ सर का द ऑथेंटिक ह्यूमन, जो कि मेरा बर्थडे में निकाला गया था, उनका देवरती दास और अश्मि बर्मन उसका कंपाइलर है, वो एक एंथोलॉजी। फिर लिखा गया दुर्लभ सरकार एंड इंस्पिरेशन, वो सोलो बुक है, वो मेरे ऊपर बायोग्राफी है, वो यूमना गुलवेस ने लिखी है, जो कि फास्टेस्ट सोलो बुक राइटर इन द वर्ल्ड। वो केवल ही 3 घंटा में लिखा गया था वो किताब, और वो फास्ट बायोग्राफी का खिताब दिया गया उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड। और ये हुआ था यमुना का, ये हुआ था यमुना ने लिखा था वो किताब, यमुना गुलवेस ने। और फिर एक किताब है दुर्लभ सर का द प्राइड ऑफ इंडिया, जो कि इंडिपेंडेंस डे में जिसका बुक कवर रिलीज हुआ, उसका कंपाइलर है, उस कंपाइलर नहीं, वो एक सोलो बुक है, दो बुक है एक्चुअली, जिसमें कोट्स है जो कि मुझे सिग्निफाई करते हैं, ठीक है, महक चावला ने लिखा और मोहिना क्रॉय ने लिखा। और फिर और एक बुक आता है द गाइडिंग लाइट बोल के, जो कि कीर्तना अभिराम और सृष्टि सिंह, ये 3 जन ने कंपाइल किया है, जो कि एक एंथोलॉजी है मेरे ऊपर द गाइडिंग लाइट, उनको लगता है जो मैं गाइड करता हूँ सबको, तो गाइडिंग लाइट किताब का नाम दिया गया। और एक तो बुक आ रहा है अ सैल्यूट बोल के, वो कि मेरा राइटिंग इंडस्ट्री में मेरा जिस दिन डेब्यू हुआ था 6 सितंबर वो रिलीज होने वाला है, अ सैल्यूट बोल के, वो सारे राइटिंग कम्युनिटीज जो है उनका फाउंडर्स उसमें अपना लेखन देंगे मेरे ऊपर, एक सैल्यूट नाम का एक किताब है, मतलब वो राइटिंग इंडस्ट्री से एक ऑनर है मेरे तरफ। तो ये एक रिकॉर्ड है, ये भी एक रिकॉर्ड बनता है, क्योंकि इतने सारे बुक्स लिखा नहीं गया किसी के ऊपर इतना कम टाइम में वो। तो यही सब मेरा रिकॉर्ड है, और तो कुछ शायद मिस कर गया, मुझे याद नहीं है 9 रिकॉर्ड, और तो कुछ याद नहीं है मेरा एक्चुअली, इतना रिकॉर्ड से बन गया मुझे याद नहीं आ रहा है। बस ये तो काफी मतलब हाईलाइटेड रिकॉर्ड यही थे, ये सब किताब मेरे ऊपर लिखा गया है अभी तक। और मेरे ऊपर बहुत सारे पोर्ट्रेट्स भी किया गया है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, अश्मि बर्मन ने पोर्ट्रेट किया है, फिर अमृतिक्षा चैटर्जी ने पोर्ट्रेट किया है, फिर निहारिका बोल के एक जन है उन्होंने भी पोर्ट्रेट किया, मतलब बहुत जन, मुझे नाम इतना याद नहीं है, पर मैं मतलब धन्यवाद बोलना चाहता हूँ ये मन से उन लोगों को, मुझे इतना प्यार करने के लिए, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। अगर वो लोग का सपोर्ट नहीं रहता आज मैं इतने सारे अवार्ड्स कभी जीत नहीं पाता। आप जो बोले, जो आपको कैसा अनुभूति हुआ जो मैं अवार्ड जीतने के बाद, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ जो उन लोगों को ज्यादा आनंद हुआ था मेरे अवार्ड जीतने के बाद, जो उन लोगों का भैया जिसको वो इंस्पिरेशन मान के चले हैं उनको मिला है, तो मैं यही बोलूंगा। मेरे ऊपर एक मैगजीन भी कंपेयर किया गया, मैं ये भूल गया, एकमात्र राइटर जिसके ऊपर पूरा मैगजीन फीचर किया गया है, 50 पन्नों का ऊपर वो मैगजीन है, दुर्लभ सर का द लिविंग लेजेंड। लोग मुझे लिविंग लेजेंड क्यों बोलते हैं मुझे सच में नहीं पता, लेकिन लोग जो इतना प्यार मुझे करते हैं, लोग जो इतना सम्मान करते हैं, इतना रिस्पेक्ट जो मुझे करता है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा प्राइज है, सारे रिकॉर्ड से ज्यादा। सारे रिकॉर्ड में बोलना चाहता हूँ, मुझे इतने सारे रिकॉर्ड्स मिला है, रिकॉर्ड का कुछ कमी नहीं है, लोग मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड
स्ट्रेटेजीज बुलाते हैं अभी, मतलब इतने सारे कुछ हो गया मेरे सर, इतना मेरा लाइफ में डेवलप हो गया, पर मैं यही बोलूंगा उन लोगों का प्यार है, उन लोगों से जो कुछ मुझे मिला है वो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है इन अवार्ड्स के अलावा। अवार्ड्स मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लोगों का प्यार, लोगों का रिस्पेक्ट, यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है। मैं ये भी यही बोलूंगा आप लोगों को मैं यही बोलूंगा, जो आप जितना भी बड़ा मुकाम में पहुंच जाओ हमेशा डाउन टू अर्थ रहना, लोग आपको प्यार करेंगे, तब आपको ये एहसास होगा, जो लोगों का रहना भी बहुत जरूरी होता है। आप अवार्ड से कभी बात नहीं कर पाओगे, अवार्ड से थोड़ी ना आप बातचीत कर पाओगे, आप लोगों से बातचीत कर पाओगे। आदमी के अंदर डिप्रेशन रहता है, ठीक है, वो डिप्रेशन को मिटाने के लिए एक आदमी चाहिए सामने, एक अवार्ड से बात करके आप अपना डिप्रेशन नहीं मिटा सकते। मैं यही बोलूंगा अवार्ड्स तो जरूरी है, लेकिन लोगों का प्यार और सपोर्ट के बिना अवार्ड्स नहीं मिलता है, यही मेरा मैसेज है। बिल्कुल दुर्लभ, आपने इतनी कम उम्र में इतने सारे अचीवमेंट्स, इतने सारे अवार्ड्स हासिल कर लिए कि आपको खुद भी नहीं ध्यान है कि कौन सा अवार्ड आपको कब मिला, इतनी सारी अचीवमेंट, बहुत खुशी होती है इतना सक्सेसफुल देखकर आपको। राइटिंग फील्ड की अगर बात करें दुर्लभ, नए यंगस्टर्स आ रहे हैं जो राइटिंग में अपना हाथ आजमा रहे हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे स्टूडेंट जो है लिखना शुरू करता है, लेकिन उसको यू नो बारीकियां नहीं पता होती किस चीज की, कि किसमें क्या चीज अप्लाई करनी है, किस तरीके से अगर वो डॉक्यूमेंट्री लिख रहा है तो कहाँ पे सारी चीजें इक्वली सही होनी चाहिए, पोएम के लिए, मतलब राइटिंग फील्ड में ओवरऑल कंटेंट राइटिंग में किस तरीके से अपने आप को सक्सेसफुल बनाया जाए, क्योंकि आप एक राइटर हैं तो आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे राइटर्स को? अच्छा, तो पहला बात मैं यही बोलूंगा, जब तुम राइटिंग फील्ड में एंटर कर रहे हो, सारे युवा के लिए मैं यही बोलूंगा, जब तुम राइटिंग के लिए एंटर कर रहे हो, राइटिंग फील्ड के लिए तुम एंटर कर, तुम अपने आप को राइटर का हिसाब से देखना चाहते हो, तब पहला बात तुमको राइटिंग कम्युनिटीज में घुसना पड़ेगा। ठीक है, आपको पहले राइटिंग कम्युनिटीज में घुसना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा जो कौन सा तरह का राइटिंग चलता है इस फील्ड में, कैसा राइटिंग, राइटिंग का जो टाइपिंग टाइप होता है वो देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपको राइटिंग कम्युनिटी में आपको भाग लेना पड़ेगा। फिर आप जब देख रहे हो जो आपका रैंक आ रहा है, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ रहे हो राइटिंग कम्युनिटीज, तो फिर आपको एक बुक कंपाइल करना चाहिए, एंथोलॉजी, कोई भी पब्लिकेशन से एक एंथोलॉजी कंपाइल करना चाहिए। एंथोलॉजी कंपाइल करने के बाद आपको और आइडिया मिलेगा जो कैसे, मतलब एक कंपाइलर कैसे बनता है, फिर कंपाइलर का क्या आइडिया होता है, वो इतना सारा कविता देखता है अपना बुक में, कंपाइलेशन में इतना सारा कविता देखता है हर एक राइटर से मिला हुआ, तो वो देखने के बाद क्या होता है, उन लोग को आइडिया मिल जाता है जो हाँ मैं ऐसे करके लिख के मैं अपने आप को और बढ़ा सकता हूँ, अपना लेवल को और बढ़ा सकता हूँ, फिर वो सोलो बुक लिखता है, फिर सोलो बुक लिखने वो एक ऑथर कहलाया जाता है। और मैं हर एक को यही बोलूंगा, सिर्फ बुक लिखने से नहीं होता है, उसको पब्लिश करना पड़ता है, और एक अच्छा पब्लिकेशन से पब्लिश करना पड़ता है जो कि उसको अच्छी तरीके से पब्लिश करे और उसको लोग तक पहुंचाए, क्योंकि मैं यही बोलना चाहता हूँ पब्लिकेशन का काफी सोशल मीडिया प्रेजेंस रहना चाहिए जो भी पब्लिकेशन से वो पब्लिश कर रहा है, जिससे कि उसको नाम मिले। मैं यही बोलना चाहता हूँ काफी राइटर्स में ऐसा देखा हूँ जो उनका लिखा इतना अच्छा, मैं आपको बोल रहा लिखा इतना अच्छा, मैं चौंक गया देख के, जो ये इतना अच्छा लिखता है अभी तक उसको कुछ बुक कंपाइलेशन ही करने नहीं मिला, उसको वो तो सोलो बुक लिखा ही नहीं पर एंथोलॉजी भी कंपाइल नहीं किया, तो मुझे वो देख के यही लगा उसको मौका नहीं मिला। शायद लोगों को मौका, मतलब लक तो बहुत बड़ा मैटर एक है, मतलब एक सही इंसान को मिलना जो आपको गाइड कर सके। ठीक है, और मैं ये बोल सकता हूँ जो भी राइटिंग फील्ड में एंटर करेगा, मैं हूँ उनको गाइड करने के लिए, मैं एक सही दिशा उनको दिखाऊंगा, और मैं उनको बोलूंगा ऐसा ही जो पहले अपना बुक को, सोलो बुक को पब्लिश कर ले। देखो मैं पहला तो सब स्टेज बता के आ गया, सोलो बुक पब्लिश करने के बाद आपका प्रचार करना पड़ेगा सोशल मीडिया में, फिर गूगल में आपको कोई पीआर एजेंसी ढूंढना पड़ेगा जिससे कि आपका प्रचार हो सके, तो आपका प्रचार कीजिएगा आप ऑथर, मतलब कैसा ऑथर हो आप, आपको गूगल में गूगल नॉलेज पैनल चाहिए बुक का, फिर ऑथर का गूगल नॉलेज पैनल बनता है। आपको अगर गूगल में एग्जिस्टेंस नहीं रहता है तब आप ऑथर कहलाया जाओगे लेकिन आप नामी लेखक नहीं कहलाया जाओगे। तो मैं यही बोलूंगा गूगल में प्रेजेंस रहना बहुत जरूरी होता है एक राइटर के लिए, अपने आप को राइटर साबित करने के लिए, तो बुक पब्लिश करने के बाद गूगल में प्रेजेंस रहना बहुत जरूरी है। अगर किसी को कोई भी हेल्प का जरूरत हो इसमें वो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकता है, मैं उनको पूरा सहायता करूंगा। इवन मैं बहुत जन को किया हुआ, आज बहुत सारे लेखक हम लोग का इंजॉय फाउंडेशन उन लोगों को जन्म दिया है, मैं ये बोल सकता हूँ।
तो मैं यही कहूंगा। बिल्कुल दुर्लभ, आपने इतनी बड़ी बात कही कि जो भी यंगस्टर्स हैं मैं हूं उनके लिए हेल्प करने के लिए, ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि इतना हेल्पिंग हैंड्स किसी को भी मिल जाते हैं तो आगे अपना सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि इनिशियल पॉइंट पे हमें वो चीजें मिल जाएं। आप बात कर रहे थे 55 सोनेट्स की, आपको रिकॉर्ड भी आपने हासिल किया हुआ है उसमें, 45 सेकंड्स में आपने एक पोएट्री लिखी थी राइट, तो आप बोल कितने मिनट में सकते हैं उसको, 45 सेकंड्स में आप उसको बोल भी सकते हैं क्या? नहीं, हम उसको बोल नहीं सकते। और मैं ये एक बात बोलना चाहता हूँ, एक कविता, मतलब जब कविता आप लिखते हो आपको वो कविता कभी याद नहीं रह, आपका याद नहीं रहता है, आपको शायद इनिशियल लाइंस याद रहता है लेकिन पूरा कविता आपको याद नहीं आप रख सकते हो, क्योंकि आप एक पोएट हो, आप लिखने के समय आपका हाथ चलता है, आपका कलम चलता है, जो हाँ मेरा क्रिएटिविटी है मैं लिख सकता हूँ। देखिए, और मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं इतना देर तक हाईलाइट नहीं किया ये वर्ड को, हार्डवर्क डेडिकेशन एंड क्रिएटिविटी, दिस थ्री वर्ड्स कैन चेंज योर लाइफ। आई कैन चैलेंज यू दैट दिस थ्री वर्ड्स कैन चेंज योर लाइफ। आई हैव चेंज मोर देन 100 पीपल्स लाइफ विद दिस थ्री वर्ड्स, एंड इवन आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर बिलीविंग इन दिस थ्री वर्ड्स। ये तीन शब्द आपका जीवन को बदल सकता है। तो क्रिएटिव, देखिए मैं आपको ये बोलूंगा, हार्डवर्क आपका जरूरत है कविता लिखने के लिए, आप जो इतना कविता लिख रहे हो, इतना कम टाइम में लिख रहे हो, आप एक प्रयास में लिख नहीं पा रहे हो, आपको हजारों प्रयास करने के बाद आप इतना जल्दी लिख पा रहे हो, उसके लिए हार्ड। डेडिकेशन और पेशेंस क्या चीज होता है, डेडिकेशन इक्वल टू पेशेंस रहता है मुझे लगता है, तो डेडिकेशन आपको रहना चाहिए वो वर्क के प्रति, तभी आप इतना देर तक वो लिख पाओगे, इतना देर तक आप कंसंट्रेट कर पाओगे उसको। और क्रिएटिविटी क्या होता है, क्रिएटिविटी में आप जो भी चाहे लिख सकते हो, आपका अगर क्रिएटिव माइंड हो, आपका दिमाग में जो भी टॉपिक है आप लिख सकते हो, आपको टॉपिक ऑन स्पॉट दिया गया आप लिख सकते हो। तो ये तीन शब्द बिलीव करना बहुत जरूरी है, और मैं यही कहूंगा, मैं यही समाज को यही मैसेज दूंगा, हार्डवर्क डेडिकेशन क्रिएटिविटी, तब 55 सेकंड में क्यों, आप 5 सेकंड में भी लिख सकते हो। मैं ऐसा बहुत सुपरनेचुरल किड्स को देखा हूँ, मतलब मैं तो बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लेकर चर्चा करता हूँ, मतलब मेरा सब रिकॉर्ड्स याद रहता है, मतलब मैं क्या बोलूं, मैं लोग मुझे कहते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड पागल, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड, मेरा दिमाग में सिर्फ एक माइंडसेट हो चुका है कैसे इस चीज को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। तो यही बात है, तो मैं यही बोलूंगा। और एक बात मैं आपको बोलूंगा, एक साधारण इंसान कभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम नहीं कर सकता, एक ऑर्डिनरी इंसान कभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम नहीं कर सकता, लेकिन एक ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकता है खुद को एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम करने के, जो मैं आज हूं इधर उसके वजह से। बिल्कुल सही कहा आपने, हार्डवर्क और डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, पेशेंस के साथ आप कुछ भी चीज, जो भी आपका ड्रीम है वो अचीव कर सकते हैं, जरूरत होती है उसमें कंसिस्टेंसी बनाकर लगन से उस काम को करने की। दुर्लभ, ये हमने बात की आपके सारे पॉजिटिव पॉइंट्स को लेकर, आपके अचीवमेंट्स को लेकर, आपकी एक सक्सेसफुल लाइफ के बारे में हमने जाना, लेकिन आपका एक नेगेटिव एस्पेक्ट अगर बात करें कि आपका अटेम्प्ट टू मर्डर वाला जो केस था, आप उसको किस तरीके से शेयर करना चाहेंगे, क्या था वो बेसिकली वो इंसिडेंट? अच्छा, ये इंसिडेंट बहुत ही डार्क साइड है मेरा लाइफ का, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, मेरा बहुत ही क्लोज रिलेटिव जानते हैं, पर आज मैं ये मंच में आया तो मैं सबको शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, पहला बात मैं यही बोलना चाहता हूँ, लोगों को शायद ये जानने का बहुत मन है, हेटर्स आर माई बिगेस्ट मोटिवेटर्स। ये शब्द, ये लाइन में मैं क्यों विश्वास करता हूँ, लोग बोलते हैं जो हेटर्स से दूर रहो हेटर्स तुम्हारा बर्बाद ही कर देगा, लेकिन मैं बोलता हूँ हाँ हेटर्स आओ मेरे साथ, मेरे पास आओ, मैं हूँ उधर पे, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, आओ मेरे पास, मैं हूं उधर पे तुमको सहने के लिए। तो हेटर्स आर माय बिगेस्ट मोटिवेटर्स, ये लाइन मैं कैसे सीखा, आज मैं कैसे आया ये मुकाम पे, ये लाइन को विश्वास करके, मैं हेटर्स आर माय बिगेस्ट मोटिवेटर्स। तो मेरा लाइफ में बहुत मुश्किल आया बचपन से, मैं यही बोलूंगा, क्लास 9 में मैं जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने का कोशिश की अपने एक्स्ट्रा कैरिकुलम में घुस के, तब मेरे घर का एक सदस्य मेरे ऊपर, मतलब जेलसी बोलूं या क्या फीलिंग्स बोलूं मुझे नहीं पता, लेकिन काफी ऐसा चीज हुआ जो कि लोग चिंता भी नहीं कर सकते, और मैं ये चाहता हूँ अपना दुश्मन के साथ भी ये ना हो, मेरे ऊपर काफी सारे अटैक्स हुए, मेरे ऊपर काफी सारे अटेम्प्ट्स टू मर्डर हुए, इवन मैं 3-4 बार बेहोश हो गया था, मुझे मेरा गला चोक किया गया था और मैं 3 बार बेहोश हो गया था, शायद मेरा जान ईश्वर ने बचा लिया, क्योंकि मुझे समाज के लिए कुछ करना था। तो ये एक पॉइंट है मेरे लिए, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ईश्वर ने जान बचाया इसलिए। और मैं यही बोलूंगा ये इसके अलावा भी मेरा जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आया, मेरा जब कॉलेज लाइफ शुरू हुआ था तब
क्या हुआ था, मतलब मैं सियाट था, क्लास रिप्रेजेंटेटिव जिसको बोला जाता है, मैं बहुत ही मतलब शुरू से ही मैं सीआर, मैं पहला दिन ही मुझे सीआर सिलेक्ट किया गया था। मुझे नहीं पता प्रिंसिपल, स्कूल का कॉलेज का प्रिंसिपल ने क्या देखा या कॉलेज का जो क्लास टीचर क्लास कोऑर्डिनेटर उसने क्या देखा, पर मुझे पहला दिन ही मुझे क्लास मतलब सीआर का रूप दिया गया था कॉलेज में। फिर क्या हुआ था, मैंने सब काम किया, मैंने सब चीज किया जो भी करना होता है कॉलेज में, बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट था, तो वो मतलब मैं सीआर के समय मतलब मैं पूरा डेडिकेशन देके काम कर रहा था। तो फिर कैसा हुआ, फिर मुझे एक आरोप लगाया गया, मेरा दोस्तों जो थे, मेरा कुछ दोस्त थे, वो मुझ पे कुछ आरोप लगाया जो कि गलत, बाद में गलत प्रूफ हुआ, जो कि एक झूठ प्रूफ हुआ, सिर्फ मुझे फंसाने के लिए ये चीज बोला गया था। तो वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर मुझे काफी लोग ब्लॉक कर दिए थे, मेरा कॉलेज में एक नाम खराब हो गया था, इवन मैं मतलब सीआर से मुझे हटाया गया था उस समय। फिर बाद में सब ठीक हो गया था, लेकिन उस समय मेरा लाइफ बहुत ही मतलब डार्कनेस में था। मैं इतना रोया शायद इतना मैं रोया कभी नहीं जितना मैं उस समय रोया था। मुझे सब ब्लॉक कर दे रहे, जिसको सब इंस्पिरेशन मान रहे थे इतना दिन कॉलेज में भी लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरा यही खासियत, मैं जहां पर भी जाता मुझे प्यार मिलता है, शायद ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर का दान है। लेकिन मैं यही बोलूंगा आपको, जो वो समय मेरे लिए बहुत ही बुरा था, ये दो चीज मेरे लिए बहुत ही बुरा था, एक अटेम्प्ट टू मर्डर वाला केस, और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा पापा जब गुजर गए थे बहुत ही दुख का बात। एक्चुअली मेरा पापा कैंसर पेशेंट थे, ठीक है, तो मेरा पापा को बहुत इलाज मैंने कराया, हम लोग ने कराया, तो वो एकदम ठीक हो जा रहे थे। आप लोग को शायद पता है जो फर्स्ट स्टेज में अगर कैंसर हम लोग डिटेक्ट कर पाए तो वो वाला ठीक हो जाता है, वो कैंसर ठीक हो सकता है, हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो डॉक्टर ने भी बोला था ये ठीक हो जाएगा, और वो काफी ठीक हो गए थे। वो लास्ट केमो था, और डॉक्टर का कुछ लाभ भाई के वैसे शायद पापा और अभी नहीं है। डॉक्टर ने विदाउट एनी कोविड टेस्ट मेरा पापा को केमो चला दिया था, और मेरा पापा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, मेरा पापा चले गए कोमा में, ठीक है। वो समय मेरे ऊपर मतलब बहुत ही एक बुरा, मतलब क्या बोलूं, एक समय था, बहुत ही बुरा समय था, जो मैं सोच भी नहीं सकता। मतलब केमो देके कोमा, ये चीज हुआ था उनका। तो फिर कोमा में वो दो दिन रहे, फिर वो गुजर गए। तो हम लोग का ऊपर पूरा, और फिर कोई भी फैमिली हम लोग का, मतलब कोई भी रिलेटिव हम लोग का सपोर्ट में नहीं था। और मैं कहना चाहता हूँ, मेरा भाई और मैं और मेरा मम्मी रहते हैं सिर्फ घर में, ठीक है, तो मतलब हम लोग को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था उस समय। तो ये मेरा बहुत बुरा वक्त गया। इवन अभी कि मैं क्या बोलूँ आपको, उस समय मैं क्या बोलूँ, उस समय मेरा सेमिस्टर चल रहा था, मैं सेमिस्टर का फीस नहीं दे पाया था, मुझे कॉलेज का बुक्स नहीं मिला था उस समय, मैं कुछ नहीं कर पाया था। पर फिर मैं उस सेमिस्टर में मुझे 9.8 CGPA मिला था, फिर भी उस सेमिस्टर में मुझे मिला था। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, अगर आपको इच्छा रहता है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। और फिर मैं लास्ट सेमिस्टर का फीस जो मेरा था वो मैं अपना खुद का अपना रोजगार से मैं दिया था, मेरा इंजर्ट फाउंडेशन का रोजगार से मैं दिया था। तो मैं ये प्राउडली कह सकता हूँ, मैं खुद को खुद चला सकता हूँ, यही मेरा मैसेज है। और ये सब बुरा वक्त तो आएगा ही, मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपका बुरा वक्त आएगा, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा। देखिए मैं आपको ये बोलूंगा, सबका लाइफ में सपोर्टर्स मिलता है, लेकिन हेटर्स को अगर आप सपोर्टर्स करते हैं, आप अगर सपोर्टर्स का रूप देते हैं हेटर्स को, तब वो अगर मोटिवेटर के हिसाब से आपका लाइफ में काम करते हैं, तब आपका मोटिवेशन पावर इंटू टू हो जाता है, मोटिवेशन पावर जो आपका रहता है इंटू टू हो जाता है, और आप लोग को मोटिवेशन पावर दे सकते हो। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं मोटिवेशन का स्पीकर का रूप में भी काम करता हूँ। काफी लोग डिप्रेस होके मेरे पास आते हैं, भैया मैं अभी कुछ कर नहीं पा रहा, मेरा दिमाग में कुछ सूझ नहीं रहा है, मैं क्या करूँ, अब मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन लाइफ बर्बाद होने कोई फायदा नहीं, आपका लाइफ बन सकता है। एक जो फेलियर होता है ना, वो एक नया शुरुआत होता है, मैं आपको बोलता हूँ, एक फेलियर जो होता है वो एक नया शुरुआत होता है। अगर वो फेलियर को आप कामयाब हो सके उस फेलियर से, तब आपसे ज्यादा सक्सेसफुल इंसान कोई बन नहीं सकता है। मेरा लाइफ में बहुत फेलियर्स है, आज इसलिए मैं इधर पे हूँ, वरना मैं कभी पहुंच नहीं पाता। आज इतना स्ट्रगल, इतना हार्डवर्क, इतना डेडिकेशन, इतना क्रिएटिविटी, और मेरा एक लाइन, हेटर्स आर माई बिगेस्ट मोटिवेटर्स, और पेशेंस, ये सब शब्द मुझे आज इधर पे लेके आया। आज मैं दुर्लभ सरकार बना हूं, आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं, इसलिए। तो आपका लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आएगा, एक शब्द याद रखना, एक लाइन याद रखना, हेटर्स आर माई बिगेस्ट मोटिवेटर्स।
ये लाइन अगर आप याद रखते हो, आपका मोटिवेशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आप कुछ भी हासिल कर सकते हो लाइफ में। एक अलग जिद चढ़ जाता है आपके ऊपर, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। हेटर्स आर माय बिगेस्ट मोटिवेटर्स, दिस इज माय मैसेज। बिल्कुल दुर्लभ, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसे एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट आते हैं या फिर डार्क फेज आते हैं जिनसे हमें सीख मिलती है। हम आगे का हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है वो बिल्कुल लाइफ के पर्सपेक्टिव को लेकर चेंज हो जाता है कि किस तरीके से हमें और ज्यादा आगे बढ़ना है। कि ना हमें कम्फर्ट जोन में भी होते हैं कभी कभी, लेकिन उस कम्फर्ट जोन से निकलने के लिए कुछ अगर नेगेटिव हमारे साथ बैठ गया तो हमें एक सीख मिल जाती है कि हाँ हमें अब लाइफ को उस तरीके से आगे जीना है। ओवरऑल दुर्लभ, हमने आपसे बहुत सारे डिस्कशन किए आपके अचीवमेंट्स के बारे में, आपके लाइफ के जर्नी के बारे में, आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट, जो भी हमने डिस्कशन किया, आपकी पूरी ओवरऑल जर्नी की इंस्पायरिंग। यही विश्वास करता हूँ जो आगे आगे बनने के लिए हम लोग का जो जन्म ग्रहण हुआ है वो आगे बनने के लिए हम लोग जन्म ग्रहण किए, कोई बैठ के रहने के लिए नहीं है। जो बैठ के रहता है घर में वो तो सबसे बड़ा बुद्ध है। अगर आपको आप लाइफ में मतलब आपको इंसान लाइफ क्यों मिलता है, जरूर आपको स्पेशल हो, इंसान लाइफ तो सबको नहीं मिलता। तब इतने सारे तो मतलब और तो कई प्रकारों का जन्म नहीं होता ना, तब तो सिर्फ इंसान जन्म सबको मिल जाता। आप इंसान जन्म आपको मिला है, आप सबका जीवन सार्थक है, तो आप कुछ भी कर सकते हो अपना लाइफ में। आपको सिर्फ आपका टैलेंट को ढूंढना पड़ेगा, आपका टैलेंट किधर पे है। मैं यही बोलूंगा, बिल्कुल सही कहा। मैं आपका अपना टैलेंट को ढूंढ पाया इसलिए मैं आज इधर पे हूँ। और हेटर्स आर माय बिगेस्ट मोटिवेटर्स, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, क्रिएटिविटी और पेशेंस, ये तीन चीज मुझे आज इधर पे लेके आया। मैं हर वक्त ये बोलूंगा, अगर आप विश्वास मतलब विश्वास करो खुद के ऊपर, आप कर पाओगे। और मैं और एक चीज बोलना चाहता हूँ, अगर मैं कुछ लोगों का नाम नहीं लेता हूँ तब इंजॉय फाउंडेशन क्या है मैं वो विश्लेषण कर नहीं पाऊंगा। मैं ये बोल हर किसी का मैं नाम लेना चाहता हूँ, सुनील माझी जो कि एचआर मैनेजर है, महक चावला है, देवरती दास है, अश्विनी बर्मन है, यमुना गुलवेस है, फिर पलक दत्त है जो कि को फाउंडर है, और फिर बहुत सारे जन ऐसा है, अभिलाष राउत का नाम मैं लेना चाहता हूँ, डॉक्टर अभिलाष राउत जो कि सोशल सर्विस करते हैं, वो एक सोशल पर्सन है, वो सोशल सर्विस करते हैं, वो भी मुझे बहुत मदद किए इस फील्ड में। वो मुझे बोले जो हाँ ये चीज में ये कर, वो मेरा बड़ा भाई जैसा है, तो मुझे सलाह देते रहता है जो हाँ तुम ये चीज ये कर सकते हो। और सबसे बड़ा टीम देखिए, ये सब तो मेरे सपोर्टर्स हैं, तो हमेशा बोलता हूँ सपोर्टर्स तो आपका रहेंगे, हेटर्स जो थे मैं ऑब्वियसली उन लोगों का नाम नहीं ले पाऊंगा, पर मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे से हुआ। मेरा पापा गुजरने के बाद मुझे एक जन मुझे मैसेज करके बोला, जो मतलब आप अपना पापा को खुद मर्डर किए हो क्योंकि आपका उनका जो प्रॉपर्टी था उनके ऊपर आपका आंख था, इसलिए आप आपका पापा को मर्डर कर दिए। तो मुझे इग्नाइट करने के लिए किया गया था जिससे कि इंजॉयड फाउंडेशन ब्रेक डाउन हो जाए। मुझे ये बात नहीं पता था इंजॉयड फाउंडेशन को खत्म करने के लिए, क्योंकि वो इतना आगे अच्छे से बढ़ रहा था। अगर हम लोग ऐसे करके बढ़ते तो हम लोग बहुत ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। और मैं ये विश्वास होता हूँ लोगों का सपोर्ट, लोगों का प्यार मेरे साथ है। और वो जो है, वो जो इंसान था वो मुझे बोला था जो तुम अपना पापा को मर्डर किया हो पैसा के लिए, तो मुझे ये चीज बोला गया था सिर्फ मुझे इग्नाइट करने के लिए। उसके लिए बहुत कुछ मेरा मतलब मेरा माइंडसेट तब पूरा बिगड़ गया था। सक्सेस माइंडसेट जो मैं लेके चलता हूँ वो शायद पूरा बिगड़ गया था। मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा था, वो चाह रहा था मैं ध्यान दूं, पर लेकिन मैं यही बोलूंगा वो कामयाब नहीं हो पाया लास्ट में। आज हम फिर भी आगे बढ़ गए क्योंकि मेरा एक लाइन दिमाग में था, हेटर्स आर माय बिगेस्ट मोटिवेटर्स। लोग तुमको कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये हमेशा याद रखना, ये सबसे बड़ा बात है। अगर ये बात लेके आप जा सकते हो आगे, मैं आपको बोलता हूँ आपका जो सक्सेस है आपको कोई रोक नहीं पाएगा। और अपना हुनर को छुपा के मत रखो, हुनर को बाहर लेके आओ जिससे कि दुनिया देख सके, दुनिया तुमसे कुछ सीख सके। सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। बिल्कुल, हेटर्स आर माय बिगेस्ट मोटिवेटर्स, ये लाइन आपने इतनी बार बोली है कि ये मेरे भी माइंड में छप चुकी है और आगे मैं भी इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखूंगी। और हेटर्स को अपनी लाइफ में बिल्कुल सक्सेसफुल सफलता टॉक से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सफलता टॉक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर, एंड थैंक यू सफलता टॉक्स फॉर ऑनरिंग मी एज वेल एज माई चाइल्ड इंजॉयड फाउंडेशन, बिकॉज इंजॉयड फाउंडेशन इज लाइक माई चाइल्ड, इज लाइक माई सन आई विल टेल, बिकॉज इंजॉयड फाउंडेशन ब्रॉट मी हियर। नाउ पीपल कॉल्स मी एज फाउंडर ऑफ इंजॉयड फाउंडेशन, और काफी लोग ऐसा बोलते थे जो हेलो इंजॉयड,
लोग जान चुके मेरा नाम इंजर्ड है। अच्छा, इंजर्ड फाउंडेशन से मेरा परिचय इतना बड़ा है। इंजर्ड फाउंडेशन जो कि एक इंडिपेंडेंट पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है, आज वो बहुत कुछ कर रहा है, बहुत सारे देशों में है, और उसको एक एडवांस टेक्नोलॉजी पब्लिशन बोला जाता है, क्योंकि हम लोगों का जो भी होता है हम लोग का गूगल टॉप सर्च में आपको मिलेगा। मैं आपको ये वादा कर सकता हूँ, इंजर्ड फाउंडेशन आज आप लोग का प्यार, आप लोगों का जो चाहत है, आप लोगों का सपोर्ट है, उससे ही आगे बढ़ चुका है और आगे बढ़ेगा। थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, थैंक यू फॉर मेकिंग मी दिस दुर्लभ सरकार फ्रॉम दैट दुर्लभ सरकार, थैंक यू फॉर ऑनरिंग मी, थैंक यू सफल डॉक्टर, थैंक यू, थैंक यू दुर्लभ, थैंक यू सो मच।